महाराजगंज जिले के गौसदन मधवलिया को स्वावलंबी बनाने और जनपद के गौ आश्रय स्थलों को हरे चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के वैज्ञानिकों के साथ गौसदन मधवलिया का स्थल निरीक्षण किया और विस्तृत चर्चा की गई, जिसके बाद जानकारी दी गई कि यहां नए प्रजाति की घास उगाई जाएंगी जिससे पूरे साल गायों को हरा चारा मिल सकेगा। गौसदन पहुंचे जिलाधिकारी ने भारत चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से गौसदन को चारा उत्पादन और चारा बीज विकास करने पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने चारा उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि को तैयार करने के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी को भी डीपीआर भेजने का निर्देश दिया। साथ ही तत्काल चारा उत्पादन के लिए भूमि की जुताई करने के लिए कृषि विभाग को निर्देश भी जारी किए। जिलाधिकारी ने बैठक कर अधिकारियों को सभी आवश्यक कार्य मार्च के अंत तक पूरे करने के भी निर्देश दिए। साइंटिस्ट के द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो फॉडर होते हैं, जो चरी होती है, जैसे एमपी चरी, गिनी ग्रास, नेपियर हाइब्रिड, दशरथ ग्रास इत्यादि, इनका प्रोडक्शन मधवलिया गौशाला में लगभग 30 से 35 एकड़ में किया जाए। और क्योंकि ये पेरिनियल चरी होती है कि लगातार 5-7 साल तक इसका प्रोडक्शन होता है, तो उससे हम लोग अपने गौशाला में को स्वावलंबी भी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पे फॉडर और सीड रिसर्च के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमने चर्चा की और चिंता किया। महाराजगंज से जनमत न्यूज़ के लिए नवीन मिश्रा की रिपोर्ट।